कंसीडर एग्जांपल 3 फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस नल एनएफए टू एनएफए। ओके, तो अगर ये नल एनएफए है जिसमें स्टेट्स हैं Q0, Q1, Q2, Q3 एंड द फाइनल स्टेट इज Q1, इनिशियल स्टेट इज Q0, तो अगर मुझे एनएफए में कन्वर्ट करना है तो पहली बात कि इसमें चार स्टेट हैं, एनएफए में भी चार ही स्टेट होंगी, तो वो चार स्टेट्स Q0, Q1, Q2, Q3 ये मैंने बना दी। इसके बाद इनिशियल स्टेट दोनों की सेम रहेगी तो दोनों की इनिशियल स्टेट भी सेम कर दी। अब हर एक स्टेट पर इसमें इनपुट अल्फाबेट क्या है, A, B, तो हर एक स्टेट पर ए और बी का ट्रांजिशन हमें डेल्टा डैश निकालना है। ओके, तो मैंने क्या कर दिया है, ये यहां पर डेल्टा डैश ये Q0 के लिए निकाल रहा हूं, ये Q1 के लिए, Q2 के लिए और ये Q3 के लिए। ओके, अगर Q0 के नल क्लोजर की बात करें तो Q0 का नल क्लोजर क्या है, Q0 और Q1, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो ये Q0 Q1 लिख दिया। अब यहां पर A का ट्रांजिशन देखूंगा और यहां पर क्या देखूंगा, B का ट्रांजिशन देखूंगा, क्योंकि A और B दोनों के लिए इनपुट अलग अलग हैं। तो अगर Q0 Q1 पर A के लिए देखना है तो Q0 पर डेल्टा निकालो A के लिए, Q1 पर निकालो A के लिए, दोनों को यूनियन कर दो। तो Q0 पर A के लिए सिर्फ Q0 है, ओके, Q1 पर A के लिए, Q1 पर A के लिए है इधर से Q3 और इधर से Q2, ओके, इसका मतलब क्या आ गया, Q0 और इसके बाद Q2, Q3, ओके, तो यहां से आ गया Q0, Q2 और Q3, ओके, अब इसका क्या लोगे, इसका आप लोगे नल क्लोजर, ओके, Q0, Q2, Q3 का नल क्लोजर लोगे। तो Q0 के नल क्लोजर में क्या आ रहा है, Q0, Q1 आ रहा है, ओके, Q0 के नल क्लोजर में आ रहा है Q0, Q1, Q2 के नल क्लोजर में क्या आ रहा है, Q2 एंड Q1, तो Q1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है Q2, और Q3 के नल क्लोजर में क्या आ रहा है, Q3 और Q1, Q1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, Q3 बस लिखेंगे, कॉमा लगा दो यहां पर, तो ये निकल आया। Q0 Q1 पर B का ट्रांजिशन देखेंगे, तो Q1 पर पहले B का ट्रांजिशन डेल्टा देखो, तो Q0 पर B अनडिफाइंड है, मतलब एम्प्टी सेट है, Q1 पर B Q1 है, ओके, Q1 पर B Q1 है, इसका मतलब ओवरऑल यहां से क्या आ गया, Q1। अब इसका नल क्लोजर लोगे Q1 का, ओके, Q1 का नल क्लोजर, तो Q1 के नल क्लोजर में Q1 itself है only, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आपने क्या किया, Q0 पर A और B के ट्रांजिशन निकाल दिए, इसको लिख देते हैं, Q0 पर A रीड करता है तो चारों स्टेट पे जाता है, ओके, Q0 पर A रीड करता है तो Q0 पर A रीड करता है तो Q0 पर भी है, Q0 पर A रीड करता है Q1 पर भी है, Q0 पर A रीड करता है Q2 पे भी है, ओके, और Q0 पर A रीड करता है Q3 पे भी है। तो ये हमने बना दिया। अब हम इसको चेक करेंगे, Q1 का नल क्लोजर सिर्फ Q1 है, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अब यहां पर क्या करूंगा, पहले A का ट्रांजिशन, इधर ये B का ट्रांजिशन, Q1 पर A का ट्रांजिशन मैंने देखा तो देखो यहां से क्या हो रहा है, A पर ये Q2 जा रहा है, A पर ये Q3 जा रहा है, ओके, इसका मतलब यहां क्या आ गया, Q2 Q3। अब इसका क्या करोगे, नल क्लोजर लोगे, तो Q2 का नल क्लोजर क्या है, Q2 Q1, और Q3 का नल क्लोजर क्या है, Q3 Q1, तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, Q1 Q2 Q3, ओके, B पर देख लेते हैं, Q1 पर B के ट्रांजिशन पे क्या है, Q1 itself, ओके, तो ये Q1 आ गया। Q1 का हम क्या करेंगे, नल क्लोजर लेंगे, तो Q1 के नल क्लोजर में आपको क्या मिलेगा, Q1 itself only, ओके, तो इसको भी डिफाइन कर दो फिर, Q1 स्टेट पर A रीड करने पर Q1 Q2 Q3 है, Q1 पर A रीड करने पर Q1, पहले तो ये लूप लग गया Q1 से Q1 के लिए, Q1 से A रीड करने पर Q2 और Q1 से A रीड करने पर Q3, तो ये कर दिया, ओके,
अब Q1 पर B रीड करने पर क्या है Q1, Q1 पर B रीड करने पे क्या है Q1, तो यहां पर एक्चुअली क्या है A और B के लिए क्या है दोनों के लिए लूप है। ओके तो ये डिफाइन कर दिया। नाउ कम टू ये Q2, Q2 पर A और B का ट्रांजिशन देखेंगे। तो Q2 का नल क्लोजर क्या है Q2 Q1। ओके तो ये Q2 Q1 है तो Q1 Q2 करके मैंने लिख दिया इसको। अब यहां क्या करेंगे, यहां सबसे पहले A और B के लिए इनपुट वो देखेंगे, डेल्टा देखेंगे। तो Q1 पर A और Q2 पर A दोनों निकालो। Q1 पर A, Q1 पर A Q2 और Q3 है। ओके Q1 पर A Q2 और Q3 है, Q2 Q3 है और Q2 पर A, हमें Q2 पर भी A की जरूरत पड़ेगी। तो Q2 पर A डिफाइंड ही नहीं है, मतलब एम्प्टी है, मतलब Q2 Q3 सेट का और एम्प्टी सेट का यूनियन करोगे तो Q2 Q3 ही आएगा। अब इसका आप क्या कर रहे हो, नल क्लोजर निकाल रहे हो। तो Q2 का नल क्लोजर में है Q2 Q1 और Q3 के नल क्लोजर में है Q3 Q1। इसका मतलब ये क्या आ गया, Q1 Q2 और ये Q3। ओके तो आप इसको चाहो तो अभी अभी मींस B को भी निकाल लेते हैं फिर डिफाइन कर देते हैं। Q1 Q2, Q1 Q2 पर B का ट्रांजिशन देखना है, डेल्टा डैश सबसे पहले निकालना है। मतलब ये क्या आप निकाल रहे हो, डेल्टा डैश, ओ सॉरी सिंपल डेल्टा है, डेल्टा डैश तो ये निकल के आया है। तो Q1 Q2 पर B का ट्रांजिशन, Q1 पर B का ट्रांजिशन क्या है Q1। ओके और Q2 पे B का ट्रांजिशन क्या है Q2। ओके दोनों पे इंडिविजुअली Q एक ही एक स्टेट आ रही है। इसका मतलब यहां से क्या है Q1 और Q2। अब इसका नल क्लोजर लोगे आप। ओके तो नल क्लोजर लोगे तो Q1 का नल क्लोजर क्या है, Q1 का नल क्लोजर तो सिर्फ Q1 है। ओके Q1 का नल क्लोजर सिर्फ Q1 है लेकिन Q2 का नल क्लोजर है Q2 Q1, लेकिन अल्टीमेटली इस सेट में क्या आएगा Q1 Q2। चलो अब देख लेते हैं A पर ट्रांजिशन पे क्या है, Q2 पर A के ट्रांजिशन पे Q1 Q2 Q3 तीनों में जा रहा है। Q1 पर A के ट्रांजिशन पर Q1 Q2, सॉरी Q1 एम Q2 का देख रहे हैं, Q2 पर A के ट्रांजिशन पे Q1 Q2 Q2 Q3 जा रहा है, Q2 पर A के ट्रांजिशन पर A का ट्रांजिशन पे Q1 Q2 और ये Q3 पे जा रहा है। ओके यहां पर देखो Q2 में Q2 में B के ट्रांजिशन पर Q1 Q2 जा रहा है, Q2 पर B के ट्रांजिशन पर Q1 Q2 जा रहा है, Q2 पर B का ट्रांजिशन। तो यहां ये कॉमा लगा के B लिख देता हूं, ये H जा रही है और B के ट्रांजिशन पे Q2 भी जा रहा है। इसका मतलब यहां लूप में A का लूप लगा ही है, B लगा दूं तो Q2 का पे B का ट्रांजिशन Q2 पे जाने लगेगा। ओके तो ये हो गया। नाउ ये लास्ट बचा है Q3। अब इसमें Q3 का नल क्लोजर क्या है Q1 Q3, इस पे पहले क्या करेंगे A का और यहां पर B का ट्रांजिशन देखेंगे। तो Q1 पर A का ट्रांजिशन, Q2 Q3, ओके और Q3 पर A का ट्रांजिशन, Q3 पर A का ट्रांजिशन नहीं डिफाइंड है। तो यहां से क्या आ रहा है Q2 Q3, ओके और यहां से इसका नल क्लोजर लेंगे Q2 Q3 का। तो Q2 के नल क्लोजर में Q2 Q1 और Q3 के नल क्लोजर में Q3 Q1, तो यहां से आ गया Q1 Q2 और Q3। ओके डेल्टा डैश ये है। इसका सिमिलरली देख लेते हैं, Q1 पर B का ट्रांजिशन क्या है Q1 और Q3 पर B का ट्रांजिशन Q3। ओके इसका मतलब ये हुआ ये Q1 और ये Q3 आ गया। इसका नल क्लोजर लेंगे, Q1 का नल क्लोजर Q1 इटसेल्फ है और Q3 का नल क्लोजर Q1 Q3 है। ओके तो ये Q1 Q3 आ गया। ओके तो अल्टीमेटली अब हमको ये ट्रांजिशन भी दिखा देने चाहिए लास्ट वाले, क्या है ये A पर Q3 पर A रीड करके Q1 Q2 Q3 पे जा रहा है, Q3 पर A रीड करके Q1 Q2 Q2 और Q3 Q3 जा रहा है। ओके
और Q3 पर ही B रीड करके Q1 Q3 जा रहा है, तो यहाँ एक B का ट्रांजिशन दे दूंगा Q1 में, Q3 में B का, तो Q3 हो जाएगा, Q1 और दिखाना है, ओके। Q3 से B रीड करके यहाँ A का दिया था, तो A, B का ट्रांजिशन दे देता हूँ, ये Q1 इस पे जाने लगेगा, ओके। तो इस तरीके से अभी आपका, अब इसमें एक लास्ट काम बचा है, फाइनल स्टेट्स बनाना, ओके। तो देखो Q0 का नल क्लोजर क्या, इसमें फाइनल स्टेट क्या थी, Q1, Q0 के नल क्लोजर में Q1 है, ओके, Q2 के नल क्लोजर में Q1 है, इस तरह से Q1 के नल क्लोजर में तो Q1 है ही है, Q3 के नल क्लोजर में भी Q1 है, इसका मतलब यहां से देखो Q0, Q1, Q3, Q2 सारी स्टेट के क्लोजर में Q1 है, ओके। जितनी भी Q0, Q1, Q2, Q3 हैं, चारों स्टेट के क्लोजर में Q1 है, फाइनल स्टेट है, एंड देयरफॉर ये चारों स्टेट इसकी क्या बन जाएंगी, ये चारों स्टेट इस NFA की फाइनल स्टेट बन जाएंगी, ओके, एंड दैट्स डन।